हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के हैं, अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। बहुत ही शानदार खबर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यानी कि राजस्थान CHO की जो मामला चला हुआ था आप सभी को पता है, अच्छे से पता है। राजस्थान CHO की जो भर्ती है वो बीच में अटक चुकी थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, आज कंप्लीटली आपको यहाँ पर चीज़ बताने वाला हूँ। देख लीजिएगा 28 दिसंबर की आपको यहाँ पर अपडेट दी गई है, तो उस बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि जो CHO है उसका जो फाइनल निर्णय है वो निकल कर आ गया है। जो नई सरकार है, नई सरकार की तरफ से जो फाइनल आपका निर्णय दे दिया गया है, क्या भर्ती निरस्त की गई है या भर्ती को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान CHO की वैकेंसी थी जो कि पेपर लीक के मामले में, ठीक है, यानी कि आप सभी को अच्छे से पता है पेपर लीक के मामले में वैकेंसी थी वो अटकी हुई थी। ना तो उसका क्या आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, और ना उस वैकेंसी को पूर्ण करवाया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जो पेपर का मामला है अभ्यर्थियों के द्वारा ये मामला लगाया गया था कि पेपर लीक हुआ है, इस वजह से क्या हुआ था, कमेटी भी गठित की गई थी और SGO काफ़ी सारी चीज़ें चली थी और अभी तक वो भर्ती है अटकी हुई थी, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस आगे जारी नहीं की गई थी। तो फाइनली उसकी जो फाइनल एक रिजल्ट है यानी कि एक परिणाम है वो दे दिया गया है यहाँ पर, और नई सरकार की तरफ से क्या परिणाम दिया है ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा कदम उठाया है नई सरकार ने, भजन लाल शर्मा जी के द्वारा जो बड़ा बयान यहाँ पर आपको दिया गया है उस बयान के बारे में यहाँ पर मैं समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या कार्रवाई हुई थी और क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो चीज़ भी हम यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सेवाएं राजस्थान जयपुर बैठक कार्रवाई, यानी एक बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है, और बैठक कब की गई थी, 22 तारीख को, ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर को ये बैठक की गई थी और इस बैठक के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट रहे और क्या क्या मेन पॉइंट नहीं रहे, किन किन बातों पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी विभाग यहाँ पर क्या रहे, मौजूद रहे इस मीटिंग के अंदर और इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे विभागों के द्वारा यहाँ पर यह बताया गया कि कंप्लीट चीज़ों के बारे में अपडेट दी गई, सारी विभागों की तरफ से यहाँ पर अपडेटेशन लिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए बैठक के दिशा निर्देश क्या क्या रहे, ठीक है, बैठक में कौन कौन से आपको दिशा निर्देश दिए गए, कौन से विभाग को क्या निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है पूरे भारत के अंदर, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से, तो रेगुलर चल रही है, हर स्टेट के अंदर चलाई जा रही है, जिसमें कंप्लीट यानी कि सभी विभाग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिस और अलग अलग ग्राम पंचायत के अंदर जो यात्रा है वो चलाई जा रही है, हर ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग गाड़ी जाएगी और उसके अंदर अलग अलग कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे, सभी विभाग वहाँ पर रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पॉइंट था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की सुविधाएँ हैं उनको अच्छे से बढ़ा दी जाए और विकसित भारत संकल्प यात्रा में दवाइयों की जो उपलब्धि है उनको भी अच्छे से बढ़ा दी जाए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो नोडल अधिकारी हैं उनको शिविर समाप्त करने तथा सेवाओं देने के पर पूर्ण ध्यान रखा जाए, ये चीज यहां पर दी गई है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, इन कैंपों की समीक्षा पूर्ण गंभीरता से की जाए, यानी कि सबसे मेन और पॉइंट यहां पर फोकस रखा गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर, ठीक है। एक मेन पॉइंट यहाँ पर था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को गंभीरता से लिया जाए और इस पर जो दवाइयां हैं वो अच्छे से उपलब्ध करवाई जाए, साथ ही साथ चीजें हैं उनको यहाँ पर बढ़ाई जाए, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है जो CHO की वैकेंसी है, राजस्थान CHO की वैकेंसी के बारे में, और साथ में जो 17,000 के लगभग जो पद थे, यानी कि 8 कैडर के रूप में जो यहाँ पर पद थे, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फार्मेसिस्ट, काफ़ी सारे अलग अलग पद थे, उनके NHM भर्ती के बारे में यहाँ पर बताया गया है मुख्यमंत्री की जी के द्वारा। तो वो पॉइंट फाइनली मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि CHO के बारे में उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, ये चीज़ आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पॉइंट आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, देख लीजिएगा इस बैठक के अंदर, कि CHO भर्ती पूर्व में हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जी हाँ, फाइनली जो आपकी CHO है वो हो चुकी है रद्द, ठीक है, फाइनली आपकी राजस्थान CHO की जो वैकेंसी है वो रद्द हो चुकी है, मुख्यमंत्री के जो के द्वारा इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या वही पोस्ट दोबारा आने वाली है या CHO की न्यू वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि NHM में संविदा के 17,000 पदों को भरने के बारे में बताया गया है, यानी कि
एनएचएम के अंदर कितने पद खाली हैं, 17,000 के लगभग यहाँ पर पद खाली हैं, तो इन सभी को भरने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि इन पदों को भी यहाँ पर क्या किया जाए, भरा जाए। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट कि सीएचओ की भर्ती है तो उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी आपको यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि रिजल्ट आना चाहिए। मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाई है, काफ़ी वीडियो में मैंने कमेंट देखे हैं, कैंडिडेट ने कॉल करके कमेंट किया है कि रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने ये कहा था कि जो भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए। तो फाइनली क्या हो चुकी है, भर्ती है वो रद्द कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा सचिवों की एक कमेटी द्वारा की जाएगी, यानी कि जो भी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में करेंगी, आगे जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होंगी उन सभी की कमेटी के द्वारा यहाँ पर क्या की जाए, समीक्षा की जाए, और उसके बाद में ही वित्त विभाग का एग्जामिन किया जाएगा और भर्तियों की 1 वर्षीय तथा 5 वर्षीय योजना बनाई जाए, ठीक है। यानी कि 1 वर्षीय और 5 वर्षीय योजना बनाकर भर्तियाँ कंप्लीट की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है कि सीएचओ की भर्ती यहाँ पर रद्द कर दी गई है और एनएचएम की जो पद खाली है उनको भरने के यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सर धन्यवाद, यहाँ पर इतने पॉइंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बैठक है उसको कंप्लीट कर दिया गया है और समाप्त कर दिया गया है, जिसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या रहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट रहा था। उसके बाद में सीएचओ भर्ती को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है कि इस भर्ती को क्या किया जाए, निरस्त कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो एनएचएम की जो पोस्ट खाली है उन पोस्टों को यहाँ पर भरा जाए, ठीक है। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर यहाँ पर बात की गई थी इस बैठक के अंदर, और उसके बाद में जो बैठक है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि देख लीजिएगा, निम्न विभागों को यहाँ पर प्रतिलिपि भेज दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को, अति मुख्य सचिव एवं चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार को, मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उनको यहाँ पर भेज दिया गया है, एनएचएम अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को यहाँ पर प्रतिलिपि है वो भेज दी गई है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, ये अपडेट पहुंचाना जरूरी था कि बैठक के अंदर क्या निर्णय निकला है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे, टाइम से कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपके पास यहाँ पर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सर है, उसको कंप्लीट कर दिया गया है और समाप्त कर दिया गया है, जिसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या रहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट रहा था। उसके बाद में सीएचओ भर्ती को लेकर यहाँ पर बड़ा बयान दिया है कि इस भर्ती को क्या किया जाए, निरस्त कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो एनएचएम की जो पोस्ट खाली है उन पोस्टों को यहाँ पर भरा जाए, ठीक है। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर यहाँ पर बात की गई थी इस बैठक के अंदर, और उसके बाद में जो बैठक है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि देख लीजिएगा, निम्न विभागों को यहाँ पर प्रतिलिपि भेज दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को, अति मुख्य सचिव एवं चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार को, मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उनको यहाँ पर भेज दिया गया है, एनएचएम अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को यहाँ पर प्रतिलिपि है वो भेज दी गई है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सबके लिए, अपडेट पहुंचाना जरूरी था कि बैठक के अंदर क्या निर्णय निकला है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे, टाइम से